हेलो एवरीवन, दिस इज निशांत चौहान। आज हम अपनी धासुर रिवीजन लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 5 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। याद रखें, लेक्चर 5 जो है हमारा, उसमें हम बेसिकली वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो आपका, जब भी आप फिजिक्स पढ़ोगे और जब भी आपको कोई ऐसी क्वांटिटी मिलेगी जो वेक्टर से रिलेटेड होगी, तब वहां पर इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई किया जाएगा। तो कंपटीशन पर्पज से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम जो इसमें पढ़ेंगे, स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, ठीक है? तो देखिए ध्यान से, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है हमारा वेक्टर। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे क्या क्या, पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर हम वन बाय वन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में जानेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम जो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज कार्टेशियन, सेकंड स्फेरिकल पोलर, और थर्ड सिलेंड्रिकल। देखिए यहां से, जो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, स्फेरिकल पोलर है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और जो आपका सिलेंड्रिकल वाला है वो इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, ठीक है? इसके अलावा हम इसमें पढ़ेंगे वेक्टर। वेक्टर के अंदर हम बेसिक वेक्टर के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के भी 2 मेथड होंगे, एक तो डॉट प्रोडक्ट और एक आपका क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है? इसके बाद में हम कंपोनेंट्स डिवाइड करना सीखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। ये हमारा बेसिक है, ठीक है? जिसमें आपका ये जो है, ये एकेडमिक लेवल पर भी पढ़ाया जाता है इतना पोर्शन ये आपका, और जो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स हैं ये आपको 9 10 क्लासेस में मैथमेटिक्स में पढ़ाए जाते हैं। अब जो मेन टॉपिक जो है, जो आपका नीट पर्पज से और IIT मेंस पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस, इसके अंदर हम वेक्टर का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, वेक्टर का इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है? डिफरेंशिएशन के साथ साथ हम उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस भी पढ़ेंगे, क्योंकि नीट के एग्जाम्स में, प्रीवियस ईयर्स में, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम आई हुई है, ठीक है? तो ये सब वो डाटा है जो हम अपने लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम कोऑर्डिनेट सिस्टम से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की। तो देखिए यहां से, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें बेसिकली 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स, वाई और जेड। अब इन्हें अगर हम एक्सिस पे ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होंगे ये, आपका कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। देखिए ध्यान से, कोऑर्डिनेट प्लेन भी 2 तरीके के होते हैं, एक तो राइट हैंडेड और एक होता है आपका लेफ्ट हैंडेड। क्या कैसे पता चलता है? राइट हैंडेड वाले केस में एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में अपने हाथ को रखिए, जैसे ही आप वाई एक्सिस की तरफ टर्न करेंगे, वाई एक्सिस की तरफ जैसे ही टर्न करेंगे तो ये जो थंब होगा ये आपका जेड डायरेक्शन में जाएगा। फिर से सुन लीजिए, जैसे ही आप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में फिंगर करेंगे, वाई की तरफ टर्न करेंगे, तो थंब आपका जेड डायरेक्शन में, मतलब क्या, आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो इसका मतलब ये जो मैंने कंसिडर कर रखा है, ये है हमारा राइट हैंडेड। अब अगर ये लेफ्ट हैंडेड होता तो लेफ्ट हैंडेड वाले केस में ये एक्स पॉइंट यहां पर होता, ये वाई, अगर ये एक्स यहां है वाई यहां है, तो सोचो लेफ्ट वाले केस में एक्स ही है, तो एक्स की तरफ मैं फिंगर करी, जैसे मैं वाई की तरफ कर्ल करूंगा तो थंब कहां जा रहा है, इनसाइड में। तो इसका मतलब अगर लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम हम कंसीडर करेंगे तो जेड एक्सिस हमारी कहां जाएगी, इनसाइड में जाएगी। तो ये अभी इतना मैटर नहीं करता, इसमें इतना ही काफी है। बाकी इसके अलावा 3 तरीके के आपके कोऑर्डिनेट पता ही चल गए आपको, एक्स, वाई और जेड। देखिए नॉर्मली हम एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को हम आई कैप से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस की डायरेक्शन के लिए हम जे कैप लेते हैं, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन के लिए हम के कैप लेते हैं। अब अगर इस कोऑर्डिनेट प्लेन में कोई भी पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है, सपोज ये पार्टिकल पी है, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स, वाई और जेड। अगर मैंने इसे ओरिजिन से मिला दिया,
ओरिजिन से तो मिला दिया, तो इसे हम बेसिकली अभी आगे भी बढ़ेंगे, तो ये हमारा नॉर्मली पोजिशन वेक्टर होता है। तो ये जो पोजिशन वेक्टर है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की टर्म्स में कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, आर वेक्टर इक्वल एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सब में डिनोट कर रखी है, वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या ड्रॉ कर रखी है, उसकी डायरेक्शन भी ड्रॉ कर रखी है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं सेकेंड वाले पर, सेकेंड वाला है हमारा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेकेंड हमारा क्या, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए यहां से इसमें क्या है, बेसिकली ये हम प्लेन बना देते हैं, ये एक्स एक्सिस रहेगी, ये वाई रहेगी, ये जेड रहेगी, ये होते हैं आपके तीन कोऑर्डिनेट्स आर कॉमा थीटा कॉमा फाई। क्या होते हैं, आर कॉमा थीटा कॉमा फाई। इसमें भी बेसिकली आपको अपने लेवल के अकॉर्डिंग, मतलब आपकी एकेडमिक और कंपटीशन के अकॉर्डिंग, बेसिकली आपको आर और थीटा की नॉलेज होनी चाहिए कि आर और थीटा को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं। आर और थीटा अगर आपको पता है तो आप इजिली इन्हें आप डिफाइन कर सकते हैं। तो सपोज मैंने क्या करा, एक पॉइंट पी यहां मान लिया, ठीक है, जब मैं इसे यहां से यहां मिलाऊंगा तो ये होगा मेरा पोजिशन वेक्टर, तो ये कहलाएगा मेरा आर कोऑर्डिनेट, ये क्या कहलाएगा मेरा आर कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस से ये जो पोजिशन वेक्टर है जितना भी एंगल बनाएगा थीटा, ये क्या कहलाएगा मेरा, ये कहलाएगा मेरा थीटा कोऑर्डिनेट, ये क्या कहलाएगा थीटा कोऑर्डिनेट। नाउ अगर मैं इस पॉइंट पी से प्रोजेक्शन ड्रॉ करूं तो वो प्रोजेक्शन कुछ इस तरीके से जाएगा, मतलब प्रोजेक्शन क्या, ऐसे इमेजिन करिए ये थ्री डायमेंशन प्लेन है, इसके एक कॉर्नर से आपने एक कोई पोल खड़ा करा तो उसकी जो शेडो पड़ेगी ऊपर से लाइट मारने पर वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी आपको। तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा आपका, ये होगा आपका फाई कोऑर्डिनेट। तो ये तीन कोऑर्डिनेट होते हैं, ये कितने कोऑर्डिनेट होते हैं आपके, तीन कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। इसमें आपको जो याद रखना है मेनली वो क्या याद रखना है, देखिए यहां से ये आर है, ये एंगल थीटा बना रहा है, तो इस आर के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में और एक वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। तो यहां से एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कितना होगा, आर कॉस थीटा, ठीक है, एक्स एक्सिस में कितना होगा आर, और जिस लाइन से एंगल जुड़ा होता है कंपोनेंट किसका होता है, कॉस का, तो ये हो गया आर कॉस थीटा। इसके बाद बात करते हैं वाई एक्सिस की, बात करें तो वाई एक्सिस में कितना होगा ये आर साइन थीटा, कितना होगा ये आर साइन थीटा, किसमें, वाई एक्सिस में। तो ये तो मेनली आपके दो हैं जो आपके एक्स एक्सिस में और एक किसमें है, वाई एक्सिस में। तो ये जो हमने कंपोनेंट सॉल्व करे ये आपके किसके लिए अकॉर्डिंग हो गए, इस प्लेन के अकॉर्डिंग हो गए। लेकिन अगर मैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेस पर थ्री डायमेंशन में इसके कंपोनेंट सॉल्व करता हूं तो वो किस तरीके से होंगे, तो उसे देखिए ध्यान से। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब के बार क्या करते हैं हम, फिर से हमने एक ऐसा प्लेन ड्रॉ करा, ये आपका प्लेन, ठीक है, ये आपका पोजिशन वेक्टर आर, ये आपकी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अब ध्यान से समझेंगे, अगर मैं कहूं इस बार मैंने इस एंगल को थीटा माना है, इस बार मैंने इस एंगल को थीटा माना है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में देखिए ध्यान से हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसे वाई की जगह हम जेड एक्सिस मान लेते हैं और इस वाली एक्सिस को वाई मान लेते हैं और इसे एक्स मान लेते हैं। ये क्यों किया मैंने, ये मैंने इसलिए किया क्योंकि जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो इन कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग ही होंगी कि इस एक्सिस पे वाई, इस एक्सिस पे जेड और इस एक्सिस पे एक्स। लेकिन है ये अभी भी राइट हैंडेड, कैसे पता चला, देखो एक्स की तरफ फिंगर करके वाई की तरफ कर्ल करो, जैसे हम एक्स की तरफ फिंगर करके वाई की तरफ कर्ल करेंगे तो जो हमारा थंब होगा वो किस डायरेक्शन में जाएगा, जेड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, किस डायरेक्शन में जाएगा, जेड डायरेक्शन में। तो देखो ध्यान से ये पोजिशन वेक्टर हो गया आर, ये एंगल हो गया थीटा, तो जब ये आ रही है थीटा है तो ऑब्वियसली इसका प्रोजेक्शन यहां को जाएगा, ये मैंने प्रोजेक्शन मिला दिया। अब इसे इमेजिन करना, ये थ्री डायमेंशन है, तो आप अपने किसी भी कोने को देखो और ये कोने से ऊपर जाने वाली लाइन तो ये हो गई, एक साइड वाली ये हो गई और एक साइड वाली ये हो गई, आपने इस कोने पर एक पोल खड़ा कर दिया कुछ इस तरीके से कोने थ्री डायमेंशन में तिरछा करके, जिसने ऊपर वाले जाने वाली लाइन से एक थीटा एंगल बना रखा है, तो ऑब्वियसली उसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये कितने डायमेंशन में था, टू डायमेंशन में थे ये कंपोनेंट, और हम कितने की बात कर रहे हैं अब, थ्री डायमेंशन की, तो ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा। और जो ये वाला कंपोनेंट होगा जिसकी जो पोल की शेडो जमीन पे पड़ रही होगी वो कितना होगा, ये होगा आपका
आर साइन थीटा क्यों होगा? सोचो देखो ध्यान से, ये एक्स वाई है एक प्लेन, अपने कमरे के कोने को देखते रहो, ये है प्लेन जिस पे फर्श पे आप पैर रखते हैं और ये कोने से ऊपर की तरफ लाइन जा रही है, ठीक है? तो ये जो कंपोनेंट है ये जमीन पे बन रहा है, और ये जमीन वाला कंपोनेंट इस कंपोनेंट के क्या है, परपेंडिकुलर। तो जो लाइन थीटा से जुड़ी होती है वो तो कंपोनेंट रहता है कॉस का, और उसके परपेंडिकुलर वाली लाइन किसका रहता है, साइन का। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि ये वाला एंगल कौन सा है हमारा, फाई है, ये वाला एंगल कितना है, फाई। तो फिर से देखो, अगर मैं इस आर साइन थीटा को अगर मैं क्या करूं, ये जो पूरा आर साइन थीटा आया, आर साइन थीटा जो आया, इसे ए मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, क्या मान लेता हूं, इसे कैपिटल ए। तो देखो इस ए वेक्टर के एक कंपोनेंट तो इस एक्सिस में होगा जहां से फाई जुड़ा हुआ है, और दूसरा कहां होगा, वाई एक्सिस में। तो फिर से देखेंगे ध्यान से, तो जो एक्स एक्सिस में होगा तो वो कितना होगा, एक्स इक्वल कितना हो जाएगा, ए, और जिससे एंगल जुड़ा होता है कंपोनेंट इसका कॉस का, ए कॉस फाई, ठीक है? और वाई एक्सिस में कितना हो जाएगा, वाई इक्वल ए साइन फाई, वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए साइन फाई। अब आप क्या करें, ए की वैल्यू रख दें, तो यहां से एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर साइन थीटा कॉस फाई, और वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर साइन थीटा साइन फाई, ठीक है? और साथ साथ जेड इक्वल टू कितना है हमारा, आर कॉस थीटा। तो ये हमारे तीन कंपोनेंट सॉल्व हो गए, किन कोऑर्डिनेट्स की टर्म में, पोलर कोऑर्डिनेट्स की टर्म में, एक्स वाई जेड किसकी टर्म में निकाल ली है, पोलर कोऑर्डिनेट में। हमें जो सबसे ज्यादा, देखो बेसिकली तो टू डायमेंशन का यूज होता है, थ्री डायमेंशन का यूज अगर कहीं पर होता है तो आप इन कंपोनेंट्स का यूज करेंगे, ठीक है? अब हम अपना थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं हम किसकी, वेक्टर की। देखिए ध्यान से,